तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवा की कैप्सूल्स जो होती है उनमें अलग अलग रंग क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं पीएम प्रांजल, थर्ड ईयर बीएचएमएस मेडिकल स्टूडेंट एट सीएचएमसीएच कोलकाता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों, कैप्सूल्स की दो पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग रंग होता है। तो कैप्सूल का जो पहला पार्ट होता है वो सबसे लंबा रहता है और उसमें दवाई का पाउडर भरा जाता है, और जो कैप्सूल का दूसरा पार्ट होता है वो अपने पहले पार्ट से थोड़ा सा अलग रंग का होता है और वो साइज में भी उससे थोड़ा सा छोटा और चौड़ा होता है। तो जो सेकेंड पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है? उसका इस्तेमाल होता है पहले पार्ट को पैक करने के लिए जिसमें पाउडर भरा हुआ है, कि वो दोनों एक साथ जुड़ जाएं और एक पूरा का पूरा कैप्सूल बना। जो रंग है वो अलग होने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि वो जो कैप्सूल है, दवाई है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है, आकर्षक बनाता है। और दूसरा फायदा जो होता है वो कंपनी को होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो आसानी से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और हमारे इस YouTube वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, वो आपको थैंक्स बोले और इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।